राम राम साहब, मैं हूँ प्रिया, मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रोसिस रिएक्शन 2.0 में। सो गाइस, अब हम रिएक्ट करने वाले अखंडा मास क्लाइमेक्स सीन पे, वो देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यज्ञ यज्ञ कर रहे ओ। ये बच्ची को बचा रहे, बच्ची को बचा रहे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुनने में। इनका लुक भी खतरनाक दिख रहा है। ये बुरे लोग भी आ गए हैं। ये BGM काफी सही है। ఓ
फिर भी आंखें खोल। मतलब पूजा संपन्न हो गई। यज्ञ पूरा हुआ, सब गए। ओ क्या बात है। ओ क्या बात है। क्या बात है। सन से बाहर से मैंने पहली बार देखा है किसी को। नेक्स्ट लेवल। लुक क्या बात है। क्या बात है। नारियल इस बार वो अपनी आंखें साफ कर रहे। मतलब नारियल का यूज इतने सही किया है इस मूवी में। क्या बात, मतलब हैट्स ऑफ। कहाँ से आ रहे हैं। क्या बात है। ओ यारी क्या बात है भाई साहब, ये क्या सीन है। मतलब ओ मतलब इसको पता चल गया कि ये ही शिव है। अब ये हनुमान फिर भी भेज रहा है बंदों को मारने। क्या बात है। क्या कितना हैवी है कि हाथ से पकड़ के और मारे जा रहे हैं। वो दो दो हाथ में गए। ये हेलो आपने आगे शील्ड बना दी। बहुत सही शील्ड है ये तो। Yeah.
जब बुलेट खत्म हो गया बेसिक से मार रहे थे। ओके नहीं ओके वापस क्या बाउंस बैक किया टाइमिंग देखो इस ये भी परफेक्ट भागते हुए आ रहा है शब्द ही नहीं है, इतने इपिक सीन थे ना इसमें। सच में आप सोच ही नहीं सकते, हर एक सीन पे आपको गूज़बम्स आएंगे। सबसे पहले तो वो वाला सीन बहुत ही तगड़ा लगता है, जब वो पूजा करने बैठते हैं और पीछे से वो मतलब कुल्हाड़ी मारते हैं और दो दिन लगती है, एक बार नहीं दो बार लगती है, तीसरी बार तीन बार लगती है। फिर उसके बाद वो गन से भी फायर करते हैं, गन आग से निकलती है, बुलेट बुलेट पास से। फिर लगता है कि अब क्या होगा, इतने में फिर एंट्री दिखाते हैं उनके छोटे भाई की, और फिर वैसे कुछ कुछ सेकंड्स का या कुछ टाइम का फर्क। फिर वहाँ पे जो एक्शन होता है, फिर उसके ऊपर कोई काला जादू करते थे, लेकिन फिर जब अखंडा मतलब अपनी वो अपना वो यज्ञ पूरा करके जब उठते हैं, फिर जो प्रलय मचता है और वो मतलब एक रथ का जो पहिया इतना भारी था, देखने में भी इतना हैवी लगता है, वो अकेले उठा के और तबाही मचा देते हैं जितने भी लोग होते हैं, खतरनाक अलग अलग। और सबसे तगड़ा सबसे पहला वाला जो शंख पकड़ते हैं दोनों हाथों में और ऐसे ऐसे करके बस ऐसे करके आगे, फिर और वो बंद। सबसे लास्ट मतलब क्लाइमेक्स में सबसे लास्ट सीन इतना पूरा ट्विस्ट कर देते हैं, मैं सोच रहा था कि वो सांड है तो वो उसको मारेगा और सर है जो उसको मारेंगे, लेकिन वो जैसे आते तो वो ऐसे हवे में वो ऊपर और सीधी मुंडी कट। मतलब किस तरीके से पूरे सीन का डायरेक्शन किया, किस तरीके से सोचा हो कि भाई ऐसा ऐसा करना है, कितनी मुश्किल आएगी, मतलब प्रॉपर टाइमिंग के साथ, मतलब सान भी ऐसा होना चाहिए। वो जो दो बैल पहले स्टार्टिंग में फाइट में दिखाए थे, तो वो उनकी टाइमिंग, मतलब पहले वो उनको बचाने के लिए आ रहे, फिर वहां से जा रहे, किस तरह से शूट किया हुआ, मुश्किल होगा लेकिन हैट्स ऑफ, मतलब
क्या तो सूट किया। और वो जो सीन व्हील ऊपर दिखाते हैं और फिर वो काफी क्लासिक सीन था, बाकी सब विलेन जैसे हवा में समुद्र और वो व्हील ऊपर बताने कुछ फिर वो कलर कलर्स वो जो दिखाते हैं अनबिलीवेबल। मैंने मतलब ऐसे क्लाइमेक्स सीन नहीं देखे अभी तक, बहुत ही तगड़ा क्लाइमेक्स सीन। मतलब इस तरह की मूवीज और इस तरह का बहुत ही अलग, क्योंकि इसमें ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा गन्स या मतलब ये ज्यादा कुछ वेपन्स इस तरह के नहीं दिखते, बहुत ही ट्रेडिशनल वे में लड़ाइयां दिखाई गई है। लगता है जो सर के फेस पे जो गुस्सा जो एटीट्यूड होता है, मतलब वो शुरू से लेके जब से हमने अखंडा देखनी स्टार्ट करी ना तब से लेके एंड तक वही फेस वही एटीट्यूड और वही एंगर वही गुस्सा, मतलब स्माइल तो मैंने इस मूवी में अखंडा को करते हुए देखा ही नहीं है, मतलब एक बार भी नहीं। अनबिलीवेबल एक्टिंग ऐसा की मजा है, ये क्लाइमैक्स सीन पैसा वसूल सीन है, बहुत ही तगड़ा। और इसमें भी नारियल का यूज काफी अच्छा किया है, पुलिस स्टेशन सीन में जब वो उसको नहलाते हैं शिवलिंग को, और इसमें अपनी आईज को साफ करने के लिए मतलब यार क्या तो दिमाग लगाते हैं, जितना बोले उतना कम है। हमें ये प्रॉपर सीन और ये मूवी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है आपको इस पूरी मूवी में, और इस पर्टिकुलर सीन में कौन सा पार्ट 5 सीन का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, मुझे तो सब कुछ अच्छा लगा, एक मैं नहीं बता सकता। फाइट सीन सारे ही अच्छे हैं इसमें, और इमोशनल भी ये आपको मूवी करती है, क्योंकि एक बच्ची को बचाने के ऊपर ये पूरी मूवी है, और वो फैमिली फिर लास्ट में भी थोड़ा बहुत इमोशनल है कि वो माँ बोलती भी है कि भाई रुक जाओ, बट वो खुद को मतलब भगवान शिव जी को दे चुके होते हैं तो वापस चले जाते हैं। तो गाइस ये पूरी मूवी ये सीन हमें काफी अच्छा लगी, आपको अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। और अभी करते हैं इस वीडियो का एंड, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना, अपना सपोर्ट इस चैनल पे बनाए रखना। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।